ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्यौहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, साल 2021 में सरस्वती पूजा, श्री पंचमी, सरस्वती पंचमी भी जिसे हम कहते हैं, 16 फरवरी को मना रहे हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम सरस्वती पूजा करते हैं। इस दिन दोस्तों माँ सरस्वती की विशेष पूजा आराधना की जाती है, विशेष नियमों के तहत की जाती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सरस्वती पूजन विधि की संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। पूजन मैं आपको करके दिखाऊंगी कि सरस्वती पूजा के दिन माँ सरस्वती की आराधना हमें किस तरीके से करनी चाहिए। तो संपूर्ण पूजन विधि की जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, सरस्वती पूजा विधि बताने से पहले मैं सामग्री आपको बता देती हूँ। सबसे पहले माता की एक फोटो और तस्वीर, जो भी आपके पास प्रतिमा है वो आप लेंगे। उनको बिछाने के लिए एक पीले वस्त्र लेंगे। माता के लिए आप पीले भी वस्त्र ले सकते हैं और सफ़ेद वस्त्र भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से ये एक आर्टिफिशियल फूलों की माला है और फूलों की माला भी आप ले सकते हैं। माता के स्नान के लिए आप ये पंचामृत तैयार रखें पहले से। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल आपको मिलाना होता है शक्कर के साथ में। पंचामृत है ये, एक देखिए आचमन पात्र आप रख लेंगे। गंगा जल है इसमें, ये कुशा आचमन है, ये आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप आम के पत्ते का भी बना सकते हैं, फूलों से भी दे सकते हैं। किसी भी पूजा में देखिए कलश की स्थापना जरूरी है, तो एक कलश आप तैयार रखिए। कलश की संपूर्ण जानकारी पहले ही मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। पूजा में जो जरूरी सामग्री है वो है सिंदूर है, अष्टगंध है, चावल है, गुलाल बहुत जरूरी होता है माँ को अर्पित करना, कुमकुम है, इत्र है, ये उपवस्त्र के तौर पे कलावा इत्र के लिए, ये रुई है और साथ में शहद, सुपारी, इलायची, ये गणपति की स्थापना के लिए, गणपति के लिए पान और माता के लिए पान, आह्वान के लिए इलायची, सुपारी, दूर्वा, ये गणपति को हम अर्पित करेंगे यज्ञोपवित। तो ये तमाम चीज़ें आप पूजा के लिए रखेंगे। ये देखिए माता सरस्वती को पीले और सफ़ेद फूल, सफ़ेद फूल भी रखे हैं मैंने, पीले फूल भी रखे हैं, तो आपको भी जो मिले ले आए। आप इस तरह से एक गुलाबी फूल भी कोई ले सकते हैं। आरती की तैयारी मैंने कर ली है। मिठाई में आप सफ़ेद मिठाई भी रख सकते हैं, पीले मिठाई भी, पीले लड्डू भी आप रख सकते हैं। फल में जो भी सीजन के फल हों, जैसे जब भी हमारे यहाँ पूजा होती है तो हम इससे पहले, सरस्वती पूजा के पहले बेर नहीं खाते, तो बेर ज़रूर लाते हैं। और इसके साथ ही आप गाजर, अंगूर, जो भी फल आपको सीज़न के मिले, सेब, संतरे, आम, जो भी मिल जाए आपको इस सीज़न में, वो आप लाएं और माता को भोग में आप अर्पित करें। तो चलिए अब मैं सबसे पहले माँ का स्नान करती हूँ और स्नान करने के बाद में आपको दिखाती हूँ पूजन विधि। तो दोस्तों, सबसे पहले माता की पूजा से पहले उनका स्नान कराते हैं। माँ सरस्वती की पूजा से पहले जब आप उनका स्नान कराएं तो आपको देखिए जल और ये पंचामृत है, पंचामृत में इत्र, शहद, अष्टगंध जो चाहें आप मिला सकते हैं। पीला चंदन, माँ को पीला रंग बहुत प्रिय है, तो आप इस तरह से कोई भी चीज़ इसमें चाहें तो मिला करके इससे स्नान करा सकते हैं। शहद और दही ज़रूर मिलाइए सबसे पहले जल से, तो चरणों का, जैसे मैंने पहले भी आपको कई वीडियोस में बताया है कि सबसे पहले हम जल चरणों में डालते हैं माता के, तो चरणों में डालेंगे और फिर हाथ पे, और उसके बाद हम माता का स्नान कराते हैं। तो ये गंगा जल है, पहले मैंने गंगा जल से स्नान कराया और इसके बाद जो भी आपने पंचामृत में शहद डाला है, इत्र डाला है, जो भी डाल के आप स्नान कराना चाहते हैं, आप उससे माता का स्नान कराएं। अष्टगंध है और एक बार फिर से आपको जल, इन सामग्रियों के बाद गंगा जल से ज़रूर स्नान करा दीजिए। और इसके बाद माँ को उठा के हम इनको स्थापित करेंगे, अच्छे से पोंछ करके आप स्थापित कीजिए। तो दोस्तों, तैयारियों के बाद स्नान माता का करवा लिया है। माँ को इस तरीके से पीले आसनी पे आप स्थापित करेंगे, सफ़ेद फूलों से, जैसे आप चाहें मंडप बनाकर वंदनवार से सजा करके स्थापना कर लेंगे। आप चाहें, कई लोग क्या होता है, जैसे मेरे पास पीतल की प्रतिमा है तो मैंने ये स्थापित किया, आप फोटो भी कर सकते हैं। कई लोग हर साल मिट्टी की सरस्वती माँ की स्थापना करते हैं और अगले दिन विधि विधान से उनका विसर्जन किया जाता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपके कोई शिक्षण संस्थान है तो आप इस तरीके से विधि से मिट्टी की मूर्ति लाकर स्थापित भी कर सकते हैं। विधि यही रहेगी दोस्तों। सबसे पहले किसी भी पूजा में हम शुरुआत दीप प्रज्वलित कर करते हैं। दीप पूजा का साक्षी होता है, तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लिया और धूप,
यहाँ पर देखिए, ये जो पूजा करने का मुख होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का, जब पूजा वो कर रहे हो तो पूर्व दिशा की होना चाहिए। हमने ऐसे पूर्व दिशा में ये पाटा लगाया है और माँ की स्थापना की है। आपको दीप अग्निकोण में रखना है। इस जगह को अगर आप मानते हैं एक जगह, तो इस ये जो पूर्व और दक्षिण की दिशा है ये अग्निकोण है। तो देखिए, इस तरह दीपक का मुख आपको आगे की तरफ रखना है, भगवान की तरफ हम दीपक का मुख नहीं रखते। उसके बाद ये धूप, ये भी मैंने रख दिया। अब ये देखिए, माँ की जब स्थापना की है मैंने, तो नीचे में ये पुष्प रखे हैं और ये चावल है। कभी भी आप स्थापना करें, आपने आसनी दी है, लेकिन साथ ही या तो आप पुष्पों की आसनी दें या अक्षत की आसनी दें, तो ये मैंने सफ़ेद अक्षत की आसनी माँ को दी है। ये एक पान का पत्ता मैंने रखा हुआ है गणपति की आह्वान के लिए, उनके पूजन के लिए। इस पर गणपति की स्थापना करेंगे। तो अब गणपति को स्थापित करेंगे, गणपति को भी ये अक्षत का आसन देंगे। ओम गण गणपते नमः। कलश जैसे मैंने आपको दिखाया पहले से तैयार रखा है, जहां पर मैंने दीप प्रज्वलित किया है उसके नीचे भी एक छोटा सा अष्टदल कमल बनाया है, और कलश के लिए भी एक छोटा सा अष्टदल कमल मैंने तैयार रखा है। अष्टदल कमल के ऊपर भी एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप उस वीडियो से भी अष्टदल कमल बनाना सीख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो, और आता है तो आप बिल्कुल बनाएं। आसनी माता को हमने दे रखी है, वस्त्र देते हैं माता को, माँ को वस्त्र हमने दिया, गणपति को भी वस्त्र देंगे, कलश देव को भी उपवस्त्र के तौर पर, कलाबा माता के लिए भी। ये गणपति के लिए एक माला मैंने तैयार रखी है फूलों की, तो गणपति को फूलों की माला अर्पित करें। जब भी आप कोई भगवान को अर्पित करते हैं तो माला समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, इस तरीके से कह करके आपको वो समर्पित करनी चाहिए। इसके बाद माता को सफ़ेद पुष्प बहुत प्रिय हैं, तो माँ सरस्वती को सफ़ेद पुष्प आप ज़रूर पहले से लाकर रखें माता के लिए। एक ये गुलाब का पुष्प है, इसे भी अर्पित करें, गणपति को भी पुष्प अर्पित करेंगे, और कलश देव को मैंने अर्पित किया हुआ है फिर से अर्पित करेंगे। आप चाहें तो और सुंदर से सजा लें पुष्प आपके पास जितने हैं। गणपति को सबसे पहले कुमकुम अर्पित करेंगे, माता को अर्पित कीजिए, वरुण देव को, इसके बाद सिंदूर, इसके बाद अष्टगंध, गुलाल। सरस्वती पूजा के दिन से ही दोस्तों गुलाल की शुरुआत हो जाती है। वसंत ऋतु के आगमन पे इस दिन सभी लोग खुलकर गुलाल भी खेलते हैं। अक्षत, अक्षत आप सफेद या पीले इस्तेमाल कर सकते हैं। गणपति को यज्ञोपवित जरूरी है, हर पूजा में अर्पित किया जाता है, आप भी करें। ये इलायची और लौंग, गणपति को हर पूजा में मैं दूर्वा जरूर अर्पित करती हूं, आप भी जरूर करें, गणपति का प्रिय है, बहुत खुश होते हैं। ओम गण गणपते नमः। गणपति के लिए अगर बेलपत्र मिल जाए वो भी उनको प्रिय है, तो बेलपत्र भी। गणपति को देखिए हरी चीज़ें बहुत प्रिय है, तो आप जितनी हरी चीज़ें ला सकते हैं इनके लिए वो आप इनको ज़रूर अर्पित करें। ओम गण गणपते नमः। अब ये इत्र अर्पित करें, आप हर पूजा में माताओं को इत्र अर्पित कर सकते हैं, करना चाहिए। स्नान में मैंने इत्र मिलाया था माता के, अष्टगंध मिलाया था, शहद मिलाया था, आप भी ऐसे स्नान करें। इसके बाद माता के भोग में मैंने पहले भी बताया है सफ़ेद वस्तुएं और पीली मिठाइयाँ, पीली वस्तुएं, पीले फल, जो भी आप अर्पित करना चाहें, आप सफ़ेद खीर, केसर युक्त खीर मिलाकर माता को अर्पित करें, बहुत अच्छा है। तो ये मिठाई और लड्डू जो मैं अर्पित कर रही हूँ, नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि। इसके बाद
जो फल होंगे सीजन के, आप कोई भी फल ले सकती हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया है कि सीजन के फलों में जैसे बेर होता है, रसभरी हो गई, गाजर, ये ज़रूर अर्पित होता है सरस्वती माँ को, सरस्वती पूजा वसंत पंचमी के अवसर पर। जो भी फल मिले आप वो अर्पित करें। और उसके बाद इसे भी रखें। इसके बाद बारी आती है दोस्तों दक्षिणा की। तो दक्षिणा आप पान के पत्ते पर, सुपारी, लौंग, इलायची और जो भी दक्षिणा स्वरूप आप रखना चाहते हैं वो आप अर्पित करेंगे। दक्षिणा समर्पयामि। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें माता को अर्पित की है। देखिए विद्या की देवी की जिस दिन हम आराधना करते हैं, सरस्वती पूजा जिस दिन हम करते हैं, उस दिन विद्या से जुड़ी हुई या जिस भी पेशे व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं, जो भी कला आपको आती है उस कला से जुड़ी हुई वस्तुओं को आपको माता के सामने ज़रूर रखना चाहिए, उसके बाद आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने बच्चे के लिए, खुद के लिए ये पेन मंगाए हैं और ये नोटबुक है। तो इसी तरीके से आपको भी अपने नोटबुक, पेन, पेंसिल, जो भी आप यूज़ करते हो उसको नए, कुछ नए ला कर आपको जरूर रखना चाहिए और इसके बाद में आप आशीर्वाद स्वरूप इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। तो जिन बच्चों का अक्षर अभ्यास शुरू करवाना है उनके लिए सबसे अच्छा दिन होता है सरस्वती पूजा का। दोस्तों वसंत पंचमी के मुहूर्त को एक अबूझ मुहूर्त मानते हैं। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। बच्चे की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत भी इस दिन जरूर कीजिए। अगर पहली बार बच्चे को कलम आप छुआना चाहते हैं, आप उनको पेंसिल पकड़ाना चाहते हैं, आप उनको चौक देना चाहते हैं, जिससे भी आप चाहते हैं पहली बार वो शिक्षा अभ्यास, अक्षर अभ्यास करें, वो उनका आज ही के दिन से शुरू करवाइए। अब जो आपके घर की पुस्तकें हैं, जो भी बच्चे पढ़ते हैं, उन पुस्तकों को आपको भगवान के सामने अर्पित करना चाहिए। तो ये भी ज़रूरी है, एक नियम हम लोग हमेशा बचपन से करते आए हैं और मैं कहूँगी आप भी ऐसा ज़रूर करें। अगले दिन उठा के विसर्जन के बाद फिर से हम इन पुस्तकों की पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। तो जो घर की पहले से उपयोग में आपकी शिक्षा की, स्कूल की जो भी पुस्तकें हैं वो आप आज ज़रूर माता के सामने रखें। अब इसके बाद दोस्तों इस तरह से विधि विधान से आपने माता सरस्वती की पूजा आराधना कर ली वसंत पंचमी पे। अब इस दिन माता के मंत्रों का जप आपको ज़रूर करना चाहिए। तो जो मूल मंत्र है माता का वही मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। वैसे कई मंत्र हैं, आप कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। तो जो मूल मंत्र है वो है ओम ऐं सरस्वती ऐं नमः। तो इस मंत्र का आपको जप जितनी ज़्यादा बार, कम से कम 108 बार आप ज़रूर कर लें। आप स्फटिक की माला से भी माता के मंत्रों का जप कर सकते हैं, तो आपको ये करना चाहिए। अब इसके बाद आरती की बारी है, माता की हम आरती करेंगे। तो इस तरीके से एक पांच बातियों की एक दीप तैयार कर रखी है मैंने आरती के लिए, आप ऐसे कर सकते हैं। आप दो बातियों का एक दीपक भी तैयार कर सकते हैं। तो अब माता की आरती करेंगे। ओम जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता, सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता। ओम जय सरस्वती माता, चंद्रवदननी, पद्मासिनी, दुति मंगलकारी, सोहे शुभ हंस सवारी, अतुल तेज धारी, मैया जय सरस्वती माता। तो इस तरीके से दोस्तों माँ सरस्वती की, विद्यादायिनी की, वरदायिनी की पूजा वसंत पंचमी के दिन आप कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि से मैंने ये बताने की कोशिश की है। तो इस तरीके से पूजा विधि और आरती संपन्न होने के बाद में आप आचमन जरूर जल छोड़ें। तो दोस्तों वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा विधि इस तरह संपन्न हुई। दोस्तों किसी भी कला में आप निपुणता चाहते हैं, माँ सरस्वती की आराधना आपको इसी तरीके से करनी चाहिए। सरस्वती पूजा पर माँ सरस्वती की इसी प्रकार से विधि पूर्वक आपको उनकी कृपा के लिए पूजन करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो में जो संपूर्णता से कोशिश की है मैंने, संक्षेप में सरल तरीके से आपको जानकारी देने की,
आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, आगे अपने परिवार दोस्तों मित्रजनों तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।